काम ते टुराया कबूल मंजूर फरमावे। वस्ते रहन वेहड़े आबाद रहन घर जिथा जिक्र हुसैन होंदा है। बानियान दी सफे मातमी बिछाई खालके कायनात अपने दरबार च कबूल मंजूर फरमावे। अज जश्न है मौला तकी अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल ज़हूर दे जश्न है। इस इमाम दे सदके जितने भी औलाद ने मौला उन्होंने जिंदगी वाले मातमी अता करे, जिन्हें झोले च औलादा ने मौला उन्होंने औलाद दे सुख नसीब करे। सलवात सारे पढ़ दे भाईजन। मौला फरमाते हैं कि एक बंदा पढ़न वाला हो ते एक सुन वाला हो, खुलूस नीयत नाल ते इमाम फरमाने साडा जिक्र हो जाता है, क्योंकि यह जिक्र बहुत ही मजमिया का मोहताज नहीं, बिल्कुल नहीं कि लखा का मजमा हो। इस जिक्र वास्ते 5, 12, 14 ही काफी है। 4 मिसर पढ़ लगाऊं भजन। काबा है इस तरह हैदर करार के बगैर, काबा है इस तरह हैदर करार के बगैर जैसे मदीना अहमद मुख्तार के बगैर। काबा है इस तरह हैदर करार के बगैर जैसे मदीना अहमद मुख्तार के बगैर, और हाजी का हर तवाफ है बेकारो बे असर मौला तेरी विलायत के इकरार के बगैर। या अली अली जिंदा सलामत रहो, जिंदा सलामत रहो। अली से बुग्ज को तूने उसूल समझा है, अली से बुग्ज को तूने उसूल समझा है, और गासिबों को भी गुलशन का फूल समझा है। तेरे शऊर से बेहतर है काफरों का गुमां जिन्होंने सोए अली को रसूल समझा है। जिंदा सलामत रहो, जिंदा सलामत। सलवात सारे पढ़ दें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبي نبي الكاسم محمد أبي الكاسم محمد المصطفى ملك الرتاح مزمل ياسي ईसा का भला मुझसे तकाबुल कैसा, ईसा का भला मुझसे तकाबुल कैसा। एक बंदा भाईजन अमीर कायनात को आया, कहता या अली ईसा बहुत बड़ा मौजूद नुमा है। अली फरमाते हैं ईसा क्या करता है? आता या अली पैदाइशी कोहर दा मरीज नूं हाथ लांदा है, मरीज ठीक हो जांदा है। या अली मुर्दे ठोकर मारदा, मुर्दा जिंदा हो जाता है। या अली एक वड्डा काम है। अली फरमाते हैं वो किहड़ा काम है? या अली मिट्टी नाल परिंदे बनाउंदा, परिंदे नूं हवा छड़दा, परिंदे उड़ना शुरू कर देंदे ने। अली फरमाते हैं अच्छा या अली बहुत वड्डा मौज है। अली फरमाते हैं तो मैनू क्यों दसना पैण, बताइए की हो गया फिर, मैनू क्यों दसना। अरे या अली पूछना चाहना तुहाडे ते ईसा च फर्क क्या है? अली फरमाते क्योंकि अल्लाह ने नाज ते फखर तो मना किया है, तू पूछे तो मैं तुम दसना ईसा का भला मुझसे तकाबुल कैसा। हक्का के मेरा मर्तबा जहनों से सिवा है, ईसा जो नबी था वो बड़ा था तब परिंदे, आदम मेरी गूंदी हुई मट्टी से बना है।
जिंदा सलामत रहो। क्योंकि अज मौला तकीर इस्लाम जश्न इस हवाले न बहुत ही चार मिसरे के इमाम का जाहरी बचपन है ते इमाम छोटे बच्चे में खेल रहे हैं क्योंकि मासूम बच्चे नहीं होंगे क्योंकि जामा बशरियत ही चाहिए साढ़े वगैरह बन के दिखाने ने और उन्होंने खेड भी तबलीग होती है। खड़े सन बादशाह की सवारी गुजरी बच्चे सारे दौड़ गए इमाम खड़े रहे बादशाह करीब आया कहता ओ बच्चा तू क्यों नहीं गया इतों। इमाम फरमाते ने कि रस्ता छड़न के दो वजूहात होंगे एक तो आने वाले का खौफ होवे दूसरा रस्ता तंग होवे। इमाम फरमाते ना रस्ता तंग है ना मन तेरा कोई खौफ है। कहने ने बच्चे तू दस तू किस खानदान है कितों का है। फरमाया मैं बतूल का पुत्र हाँ बिस्मिल्लाह सलवात सारे पढ़ बच्चे अपना तारीफ करा तू कौन है। फरमाया वाली का पुत्र हाँ बतूल का पुत्र हाँ। बादशाह चला गया वापस आया हाथी च भाईजन मछली का एक बच्चा हाथी फड़िया तो करके कहता पिछे करके आना बच्चे तू दावा किया कि तू खानदान अहले बैत चोने ते अगर तू अहले बैत चोने बतूल का पुत्र है अली का पुत्र है तो दस मेरे हाथ च की है। जैन पूछे दस मेरे हाथ च की है। इमाम मुस्कुरा के फरमाने कि हक के मीजान में नायाब हैं गोहर तोले हक के मीजान में नायाब है गोहर तोले हम पे अल्लाह ने सब राज है अपने खोले हम पे अल्लाह ने सब राज है अपने खोले हमसे दुनिया में नहीं कोई भी शह पोशीदा मैं बताऊंगा तेरे हाथ में मछली बोला नहीं बंद है यार संडे को बंद होती भजन अंजी सर मेरे बाबा जान का मैं अपने बाबा जान का उन्हें दौड़ना शायद तुम यकीन करो मुगर से खड़े छूटे तो ना होते मैं पहली बार अखीर मौसम नकली में सुने बाजे के नाल गया डेरा इसमान खान अखीर नकली ने पढ़िया तो शौकत ने साहब ने पढ़िया तो मैं क्या यहाँ बोला कितने सोने लिखते ने पढ़ देने तो बोला मैनू में पढ़ना बोला से मैं शायद बोले मैं नहीं पढ़ा मैं नहीं पढ़ता यकीन करो पाक बीबी ने डर से सलाम किया कि बेटा मुझे शायद ना हो तो अबू ने कबर देगा मैं तो दूर से मोरा के करीब बैठे मोरा को कौन होगा उन्होंने कहना कि मैं शायद हो जाना तो मैं शायद बन जाए यकीन करो उस रात ही मौके तीन चार